हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हो कि जब दोस्तों आप कर्नलिस्टिक पैटर्न को सीख लेते हो, तब दोस्तों उसके बाद बारी आती है आपको चार्ट पे देखने की, आपको चार्ट पे प्रैक्टिस करने की। तो दोस्तों जब बारी आती है चार्ट पे दोस्तों देखने की, तब दोस्तों वहाँ पे आप जब चार्ट पे देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि कर्नलिस्टिक पैटर्न को पहचाने कैसे। आप जो सीखे थे आप भूल चुके हैं, तो आप पहचानेंगे कैसे? तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम लाइव चलेंगे चार्ट पे, देखेंगे कि आप कैसे कर्नलिस्टिक पैटर्न को पहचान सकते हैं, कहाँ पे आप एंट्री लेंगे। जब कर्नलिस्टिक पैटर्न बनेगी आप पहचान लेंगे, तब वहाँ पे आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे आपको एग्जिट करना है, कहाँ पे आपका टारगेट रहेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको चार्ट पे चल के दिखाऊंगा कि आप कैसे कर्नलिस्टिक पैटर्न को ढूंढ सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों अगर आपको सीखना है चार्ट पे कैसे कर्नलिस्टिक पैटर्न को ढूंढें, तब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी, धमाकेदार की वीडियो, ठीक? तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि आप चार्ट पे कैसे। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। दोस्तों आप अपने मोबाइल फोन से चार्ट को देख सकते हैं, आप कर्नलिस्टिक पैटर्न को पहचान सकते हैं, ठीक है? और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ जरूर बता दूं कि दोस्तों ये ऑप्शन ट्रेडिंग का पार्ट 26 है, ठीक है? अगर आपने इससे पहले पार्ट को नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे जाओ, आप प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू से सीखने को मिल जाएगा, ठीक है? आपको पार्ट बाई पार्ट वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी, आप ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू से सीख सकते हो। अब दोस्तों चलिए चार्ट पे मैं आपको बताता हूँ कि आप कर्नलिस्टिक पैटर्न को चार्ट पे कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब हम लाइव चार्ट देखते हैं तब दोस्तों वहाँ पे सब चीज़ बदल जाता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे हमें पहचानने में बहुत प्रॉब्लम होती है, हम कर्नलिस्टिक पैटर्न को पहचान नहीं पाते। तो दोस्तों मैं आपको वही जुगाड़ बताने वाला हूँ कि आप कैसे पहचान सकते हैं, आपको बहुत आसानी होगी पहचानने में, ठीक है? तो आप चलिए शुरू करता हूँ, आपको बताता हूँ कि आप कैसे पहचान सकते हैं। आप दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके सामने एक ट्रेडिंग व्यू का दोस्तों चार्ट मैंने ओपन कर रखा है, ठीक है, निफ्टी का। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जाना है ट्रेडिंग व्यू साइट पे, ठीक है? या तो आप ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू का। उसके बाद दोस्तों आपको किसी भी इंडेक्स का चार्ट ओपन करना है, ठीक है, आप जिसमें ट्रेड करना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले एक इंडिकेटर लगाना है, जिससे दोस्तों हमें हेल्प मिलेगी कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानने में, ठीक है? अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक इंडिकेटर लगाएंगे, ठीक है, ताकि हम कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचान सके सबसे आसान तरीका से। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक करेंगे दोस्तों इस ऐप के आइकन पे, ठीक है, यहाँ पे आपको ये आइकन दिख जाएगी, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सर्च करना होगा कि आपको कौन सा इंडिकेटर लगाना है, ठीक है? मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ कि आपको कौन सा इंडिकेटर यहाँ पे लगाना है। आपको दोस्तों यहाँ पे लिखना है आल्स, ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है आल। जैसे दोस्तों आप आल लिखेंगे यहाँ पे आपके सामने दोस्तों तीन चार दोस्तों पैटर्न आ जाएगा, इसमें से आपको तीसरा वाला सिलेक्ट कर लेना है, आल कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है? आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों ये जाके आपके चार्ट पे अलाउ हो जाएगा, आपके चार्ट पे अप्रूव हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखो आपके सामने दोस्तों बहुत सारे कैंडल आपको यहाँ पे दिख गई, मतलब कि आपको हर एक कैंडल का नाम यहाँ पे दिख जाएगा, मतलब कि जो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल होती हैं, मतलब कि जो बार बार बनती हैं, जो बहुत ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट होती हैं, वो दोस्तों आपको यहाँ पे उसका कैंडल का नाम दिख जाएगा। आपको आराम से पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से पहचान सकते हैं कि हाँ कहाँ पे कौन सी कैंडल बन रही है, आपको आसानी होगी पहचानने में, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, ठीक है, आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है? हम चार्ट को थोड़ा सा जूम करेंगे, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये डोजी कैंडल रही, ठीक है, आपको पहचानने में बहुत आसानी होगी। आपको दोस्तों यहाँ पे नाम का पहला अक्षर यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जैसे कि दोस्तों ये वाली डोजी है, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये डी लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि हाँ ये डी का मतलब होता है कि डोजी, ठीक है? आप ऐसे ऐसे समझ जाइएगा, यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम भी मिल जाएगा, ठीक है, आप याद भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको दोस्तों दूसरी कैंडल क्या दिख रही है, आपको दूसरी कैंडल दिख रही है इनगल्फिंग कैंडल, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखो दोस्तों ये बेरिस इनगल्फिंग कैंडल है, यहाँ पे दोस्तों बी का मतलब होता है दोस्तों बेरिस, और दोस्तों ई का मतलब होता है इनगल्फिंग, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये इनगल्फिंग कैंडल है, यहाँ पे देखो ये दोनों कैंडल आपको दोस्तों इनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे दिख रही है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है कि जो ये रेड वाली कैंडल बनी है, इस कैंडल ने दोस्तों क्या हुआ है कि ग्रीन वाले कैंडल को दोस्तों ढक लिया है, दोस्तों इसी को बोलते हैं इनगल्फिंग कैंडल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो कैसे ट्रेंड दोस्तों नीचे गया है, लेकिन दोस्तों ये कैंडल दोस्तों सही से काम नहीं कर पाई, आपको ये भी ध्यान देना होगा कि दोस्तों हर बार कैंडल काम नहीं करती, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे देखो कैसे आपको गुमराह किया जाता है, कैसे आपका लॉस मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट किया जाता है।
यहाँ पे देखो दोस्तों, जैसे यहाँ पे ये बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन दोस्तों जैसे यहाँ पे दूसरी तीसरी कैंडल बनती है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक इन्वर्टेड हैमर आपको यहाँ पे दिख जाएगी। मतलब कि दोस्तों अगर इन्वर्टेड हैमर बन जाती है दोस्तों यहाँ पे, तो वहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे देखो सच में दोस्तों, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर काम किया है। यहाँ पे दोस्तों क्या है ना कि आपको यहाँ पे क्या देखना है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। अगर मान लो कि अब ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको बीच में कोई बेरिश कैंडल बनती हुई दिख गई, तो दोस्तों 80% चांस है कि दोस्तों वो कैंडल काम नहीं करेगी। क्यों नहीं काम करेगी? क्योंकि दोस्तों इसके पास कहीं दोस्तों बॉटम या सपोर्ट है नहीं। जहाँ पे दोस्तों किसी कैंडल को या तो सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस मिलता है दोस्तों, वहां से आशा रहता है दोस्तों 99% की वहां से मार्केट मूव करेगी, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना होगा कि जो भी कैंडल आपको कहीं भी दिखे, अगर आपको कैंडल बीच में दिख गई, मतलब कि ट्रेंड के बीच में, तो वहाँ पे आप उस कैंडल पे 80% विश्वास मत करना। क्योंकि दोस्तों अगर आपने विश्वास कर लिया तो आपको दोस्तों धोखा दे सकती है। जैसे दोस्तों मान लो कि अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक, तो वहाँ पे आपको अगर बुलिश कैंडल बनती हुई दिख गई, मतलब कि अप ट्रेंड में, तो वहाँ पे दोस्तों 99% चांस रहेगा कि दोस्तों मार्केट ऊपर ही जाएगी। अगर दोस्तों आपको बीच में कहीं बेरिश कैंडल मिल जाती है, तो वहाँ पे आप ज़्यादा विश्वास मत करना। मतलब आपको कहाँ पे विश्वास करना है, कोई भी कैंडल आपको दिखे, बॉटम पे या तो टॉप पे, ठीक है, जहाँ पे मतलब कोई सपोर्ट अपोर्ट हो वहाँ पे आपको देखना है। अब दोस्तों यहाँ से हम और भी आपको कैंडल दिखाते हैं, ठीक है, कैसे आपको कैंडल यहाँ पे मिलेगी, आप कैसे पहचान सकते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों एक सपोर्ट है, ठीक है, हमने यहाँ पे सपोर्ट लगा रखा है। अब यहाँ पे देखो आपको एक डोजी कैंडल यहाँ पे मिल गई, ठीक है, ये इसके सामने ये डोजी है, ठीक है, ये डोजी कैंडल है। और यहाँ पे देखो दोस्तों ये बेरिश कैंडल है, ठीक है, इनगल्फिंग बेरिश कैंडल यहाँ पे, ये आप ऐसे ऐसे कैंडल को ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो मतलब कि इम्पोर्टेंट कैंडल है उसके सामने दोस्तों उसका नाम लिखा हुआ है, मतलब शॉर्टकट में, ठीक है, तो आपको ऐसे पहचान लेना है। मैं आपको इस एग्जांपल में बता दे रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखो सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपको डोजी कैंडल यहाँ पे दिख जाएगी। दोस्तों उसके जस्ट बगल में यहाँ पे आपको हैमर कैंडल यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक। यहाँ पे दोस्तों आपको सारे कैंडलों के नाम क्यों आपको नहीं दिख रहे हैं? दोस्तों बात यह है ना कि यहाँ पे आपको उन्हीं कैंडलों के नाम दिख रहे हैं जो कि दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि दोस्तों बार बार काम करती है। आपको वही कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम दिख रही है जो पॉपुलर है, ठीक है। तो दोस्तों आप ऐसे ही चार्ट को यहाँ पे दोस्तों आप चार्ट में कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचान सकते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों आपको बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको चार्ट पे दिख रही है, ठीक है, आप ऐसे पहचान सकते हैं कि कहाँ पे कौन ट्रेंड जाएगा। दोस्तों कैंडल बनेगी आप यहाँ से पहचान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैं चाहूँ तो आपको इसके अलावा भी दोस्तों आपको कैंडल ढूंढ के दिखा सकता हूँ, लेकिन दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और किसी दिन किसी वीडियो में मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब आपको ढूंढ के दिखाऊंगा, बिना किसी इंडिकेटर के आपको ढूंढ के दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों आशा करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि दोस्तों आपने कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना सीख लिया कि आप कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचान सकते हैं, मतलब कि जुगाड़ क्या है। देखो मैंने आपको कोई मतलब कि वैसा आपको नहीं बताया कि आपको मतलब कि क्रिएटिव सोचना पड़ेगा ज़्यादा, मैंने आपको सिंपल सा एक इंडिकेटर बताया है। आप इस इंडिकेटर की मदद से आप कैंडलस्टिक पैटर्न को जल्दी पहचान सकते हैं, जल्दी से आप याद कर सकते हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा याद करने में, ठीक है, आपको आसानी होगी। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि दोस्तों आपको ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे, ठीक है।